उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। सपा के कई नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के समर्थन में सपा के एक बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक पत्र लिखकर उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुल्तानपुर विधानसभा सीट से सचिव सलमान जावेद राय ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने मौन साध रखा है, उनकी चुप्पी की वजह से ही वो अपने पद को छोड़ रहे हैं। सलमान जावेद ने इस खत में लिखा कि आजम खान को परिवार समेत जेल में डाल दिया गया, नाहिद हसन को भी जेल में डाला गया, विधायक शलजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया और NOC रद्द कर दी गई। इतना होने के बावजूद भी अखिलेश यादव पूरी तरह से खामोश हैं। इतना नहीं बल्कि उन्होंने आगे लिखा कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, वो आम आदमी की आवाज़ क्या उठाएंगे। ITV न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।